महेश पूछ रहे हैं भोपाल से, कह रहे कबीर, तुलसी, मीरा, नानक, शंकराचार्य आदि महान संतों के समय में ना तो आज के समान संचार के साधन थे, ना ही इतनी सुविधाएं, फिर भी उनके द्वारा दिया गया अलौकिक ज्ञान आज तक प्रकाश फैला रहा है। क्या आज भी ऐसे गुरु संत हैं जो ऐसा अलौकिक ज्ञान और प्रकाश फैला रहे हैं? क्योंकि आज के ज़्यादातर गुरु उसी ज्ञान की विवेचना और व्याख्या करते ही प्रतीत होते हैं। ब्रह्म ज्ञान इतना सशक्त है तो उस पर कार्य करने से इतने ही योग्य ऋषि संत क्यों नहीं बन पाए? आज वैसे अलौकिक ज्ञान प्रकाश के स्तंभ कहाँ मिलेंगे? संसार को देखते हुए, माया की, ईश्वर की लीला को देखते हुए मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि ब्रह्म ज्ञान चंचल तक आपके साथ हो और चारों ओर सत्य प्रेम और आनंद का ही अस्तित्व हो। धन्यवाद गुरु जी। आपसे किसने कह दिया कि कबीर, कि नानक, कि मीरा जो कुछ भी कह रहे हैं वो उनका अपना था? आपका मूल प्रश्न ये है कि जो उस वक्त हो पाया असली काम, वैसा असली काम करने वाले योग्य संतजन आज क्यों नहीं है? आप कह रहे हैं आज के संतजन तो बस जो बातें पुराने लोग कह गए उन्हीं बातों की विवेचना कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। आप मीरा, कबीर और नानक की बात करते हैं, वो तो फिर भी बड़े समसामयिक हैं। उपनिषदों की तुलना में मीरा और कबीर और नानक तो आज के हैं। मैं आपको उपनिषदों तक ले चलता हूँ। जानते हैं वहाँ ऋषि क्या कह रहे हैं? वहाँ ऋषि कह रहे हैं, हमने जानने वालों से सुना है कि वहां ऋषि कह रहे हैं, नहीं, मेरा इसमें कुछ मौलिक नहीं है। मौलिकता पर उनका जोर ही नहीं है। मौलिकता पर जोर अहंकार का होता है। जिसको वास्तव में मूल से कुछ मिल जाता है उसका व्यक्तिगत मौलिकता पर जोर नहीं रह जाता। आप शायद इस धारणा में फंसे हुए हैं कि एक संत से दूसरे संत को कुछ मिलता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबको एक साझे स्रोत से मिलता है। उपनिषदों के ऋषियों ने भी सुना था और कबीर ने भी सुना था। आप समय के फेर में ना फंसे कि कबीर बात के उपनिषद पहले के हैं। दोनों बिल्कुल एक साथ सुन रहे हैं। जैसे याज्ञवल्क्य सुन रहे हैं वैसे ही अष्टावक्र सुन रहे हैं, वैसे ही बुद्ध सुन रहे हैं, वैसे ही कबीर सुन रहे हैं। सब सुन रहे हैं और एक दूसरे की नहीं सुन रहे। एक दूसरे को माध्यम भले बना ले। मीरा ने रैदास को माध्यम बनाया, रैदास ने कबीर को माध्यम बनाया। ये माध्यम बनाने वाली बात ठीक, पर सुन सब किसी एक को रहे हैं। उपनिषदों और कबीर में जो फासला है उसकी अपेक्षा उपनिषदों और आज में बहुत कम फासला है। कबीर और उपनिषदों में 2000-2500 साल का अंतर है और आप में और कबीर में कुल 600 साल का अंतर है। कबीर आपके ज्यादा करीब है उपनिषदों से। और उपनिषदों की ही बात कबीर कह देते हैं। कोई पक्का नहीं कि कबीर ने उपनिषद पढ़े ही पढ़े थे। कबीर ने फिर भी पढ़ लिए हो। दुनिया के तमाम अन्य हिस्सों में न जाने कितने संत, ज्ञानी, मनीषी हुए। आपको क्या लगता है उन्होंने सबने जो प्राथमिक शास्त्र हैं वो कभी पढ़े थे? नहीं। सब एक जगह से सुनते हैं, सब एक जगह से पाते हैं। बीच में जो कुछ होता है वो बहाना होता है। दिए से दिया जलता है। पहले दिए की रोशनी थोड़े दिए में, दूसरे दिए में जाके समा जाती है। निकटता प्राप्त होने पर दूसरे दिए के भीतर छुपा हुआ प्रकाश प्रकट हो जाता है। कृपया दो जमाने ना बनाएं कि एक पुराना जमाना था जिसमें सब संतजन थे और उनके भीतर
अद्वितीय आभा थी और एक आज का जमाना है। आपको अगर दो जमाने बनाने हैं तो कबीर को आपको आज के जमाने में रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कबीर उपनिषदों की अपेक्षा आज के समय के ज्यादा निकट है। तो आप अगर समय को दो हिस्सों में बांटेंगे, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, तो आपको कबीर को पूर्वार्ध में नहीं उत्तरार्ध में रखना पड़ेगा। उपनिषद उस तरफ होंगे तो कबीर इस तरफ होंगे, कबीर आज के जमाने के। तो जब कबीर उपनिषद से इतनी दूर हैं और नानक कबीर से भी ज्यादा दूर हैं और बुल्ले शाह नानक से भी ज्यादा दूर हैं, और उनके भीतर लौ जल सकती है, लगातार जलती ही रही है, हर युग में जलती रही है, तो जाहिर सी बात है महेश जी कि आज भी जल ही रही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जल रही है तो महेश जी को क्यों नहीं दिख रही, वरना महेश जी सवाल नहीं पूछते। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब कबीर की जली थी तो क्या सबको दिखी थी? जब कबीर थे तो क्या पूरा भारतवर्ष, अच्छा छोड़िए, पूरा उत्तर भारत कबीर की महिमा गा रहा था? बुद्ध थे, बुद्ध तो क्या समस्त ब्रह्मांड बुद्ध के चरणों में लौट गया था? महावीर को अपने जीवन काल में कितने अनुयायी मिल गए थे? जीसस को अपने जीवन काल में कितने अनुयायी मिल गए थे? आप कह रहे हैं आजकल बुद्धों का अभाव है। बुद्ध जन फूलों की तरह होते हैं, वो हर काल में होते हैं। हाँ, हर काल में खिलने वाला फूल अलग होता है, आपको दिखाई इसीलिए नहीं देता महेश जी, क्योंकि आप एक काल के फूल की तुलना दूसरे काल के फूल से करके सोचते हो कि अभी भी वैसा ही खिलेगा। कबीर के जमाने के लोग कबीर को नहीं मान पाए क्योंकि कबीर संस्कृत नहीं बोल रहे थे। लोगों ने कहा अभी तो 600 साल पहले शंकराचार्य होके गए हैं और इतने ग्रंथ बोल गए सब संस्कृत में, और ये कबीरा आया है। वो शंकराचार्य थे, ये कबीरा है, कबीरदास। वो ब्राह्मण थे, इसकी कुल जात का कुछ पता नहीं, जुलाहा और है, तो क्यों माने कबीर को? कबीर को तो कुलीन वर्ग में, प्रबुद्ध वर्ग में, सवर्णों में बहुत बहुत समय तक मान्यता नहीं मिली थी। कबीर को मानते थे किसान, देहाती, जो पढ़े लिखे नहीं थे, जिन्हें संस्कृत क्या खड़ी बोली का भी कोई ज्ञान नहीं था, जिन्हें आप निचली जातियों के लोग बोलते हैं, वो मानते थे कबीर को। ये तो अभी पिछले 100-200 साल की बात है, बल्कि और अभी निकट की, कि कबीर को एक सर्व व्यापक मान्यता मिलनी शुरू हुई है। पहले हम में इतनी बुद्धि नहीं थी कि कबीर को उतने आदर का स्थान दे पाए जिसके वो अधिकारी हैं। उतनी बुद्धि हम में कभी भी नहीं रही है। वो तो जब संत दैहिक रूप से चला जाता है तब उसके जाने के 50-60 साल बाद हमें जोर का झटका लगता है, कुछ हुआ था क्या? सुपरसोनिक विमान जानते हैं क्या होता है? क्या होता है, क्या होता है? आवाज से तेज, जिसकी गति ध्वनि की गति से ज्यादा तेज हो। तो आप अगर ऐसे हैं जो विमान का ज्ञान पाते हैं उसकी आवाज से, तो आपके साथ बड़ी दुर्घटना हो जाती है। सुपरसोनिक विमान आया, निकल गया, और जब वो दूर निकल गया तो आपको उसकी आवाज आती, तब कहते अरे कहाँ है, कहाँ, और आवाज ही नहीं आती। तब जो आती उसे बोलते हैं सोनिक बूम, साधारण आवाज नहीं आती, वो ऐसा आता है कि खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं, पर जब आता है तब वो विमान दूर जा चुका है। तो संत का आगमन और प्रस्थान ऐसा होता है, वो जब दूर निकल जाता है तब सोनिक बूम आती है। ठीक वैसे जैसे आकाश में बिजली गोंद जाए,
ऐसी गड़गड़ाहट कि पूछो मत। वो ध्वनि जब तक आप तक पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी है। आपके पास अगर आंखें हैं, आपने बिजली का कौना पकड़ लिया, तब तो आपने घटना को पकड़ लिया। पर आप अगर इन कानों से इंतजार कर रहे थे, सुनी सुनाई बात से इंतजार कर रहे थे, तो बिजली के कौंधने की तो बड़ी देर बाद आवाज पहुंचती है आपके कानों तक। जानते हो आप, ये बिजली कौंध जाती है, उसके पल, दो पल, तीन पल, चार पल बाद आप तक आवाज पहुंचती है। अब हम ऐसे ही जीते हैं भाई, आवाज पर जीते हैं। हाँ भाई तू बता, फलाना बड़ा संत है। आवाज आते आते तो देर लगेगी, आंखें तुम्हारे पास है नहीं कि बिजली का कौंधना खुद देख पाओ। तो वो तो सुपरसोनिक है, वो निकल गया, तुम आवाज का इंतजार करते रहे कि श्रुति फैले, जनमानस में लोकप्रियता मिले, सब एक स्वर में कहें कि फलाना था ज्ञानी। तो करो इंतजार, इंतजार करने के बाद तुम देखते रह जाना, ढूंढना कि कहाँ है, कहाँ है, वो गया। हाँ, जिनके आंखें होती हैं वो देख लेते हैं, वो देखा बिजली कड़की, अभी थी, अभी हमने देखा, देखा और प्रकाशित हुए हैं। संत को देख पाना कोई मामूली बात है? आपने देखने को क्या समझ रखा है कि आप बाजार जाते हो तो वहां टिंडा भी दिख जाता है, और मूली भी दिख जाती है, और आलू भी दिख जाता है, और गाजर भी दिख जाता है। ऐसे ही आप सोचते हो कि किसी टोकरी में दो चार संत बैठे हुए भी दिख जाएंगे, और कोई बेच रहा होगा ₹2 पसेरी, ₹2 पसेरी, ये जरा बासी वाला है, पुराना है, और उधर वाला माल वो ₹10 पसेरी, वो नया नया संत है, ताजा आया है अभी मार्केट में। आपकी आंखें जैसे आलू टिंडा देखती हैं, वैसे ही बुद्ध और कृष्ण को देख लेंगी। कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान दिया जा रहा है, दुर्योधन को आ रहा है समझ में? अरे दुर्योधन छोड़ो, भीम और युधिष्ठिर को भी आ रहा है समझ में? जो ऊंची से ऊंची बात हो सकती है, वो कितने ही लोगों के सामने, कितने ही लोगों के बीच में अर्जुन को कही जा रही है। क्या जमाना आके कृष्ण के पांव पकड़ रहा है कि हमें भी बता दो, हमें भी बता दो? मैं तो कह रहा हूं आपको, इतना समय लग रहा था अर्जुन को समझाने में, उधर कौरव व्याकुल हो रहे होंगे, दो चार के मन में तो जरूर आया होगा, जितनी देर ये समझा रहे हैं उतनी देर में कर ना दो काम तमाम। कृष्ण को तो दुर्योधन बंदी बनाने भी चला था, राम को मारने वाले बहुत थे, और सबके सब राक्षस नहीं थे, कुछ तो उनके अपने ही परिवार के थे। ये मंथरा और कैकेयी कोई भूतनिया थी? एक माँ है, एक महल की परिचारिका है, और ये दुश्मनी नहीं रखी थी राम से? इन्होंने राम को देख के कहा कि अरे महाप्रभु, इनके तो चरणों में लौट जाना चाहिए। संत को देख पाना, भगवत्ता को पहचान पाना हल्की बात नहीं है। बोध धर्म ने कहा है कि संत की परिभाषा ही यही है, जो संत को समझ ले। और आप कह रहे हैं कि संत आजकल कहीं दिखाई नहीं देते। बोध धर्म ने कहा है कि जिसको संत दिखाई देने लग जाए उसी को तुम संत जानना। तो ये तो जाहिर सी बात है कि आपको संत नहीं दिखाई देंगे, 99% लोगों को नहीं दिखाई देंगे। जिस दिन दिखाई देने लग गए उस दिन आप भी संत हो गए,
यही शर्त है, यही अनिवार्यता है, आप संतत्व को प्राप्त हो जाएं, आपको दिख जाएगा कौन संत है कौन नहीं। आप सोए पड़े हैं, आपको पता है कौन जगा है कौन सोया है। आप स्वयं यदि सो रहे हैं तो आपको दूसरों का कुछ पता होगा क्या कि कौन जग रहा है कौन सो रहा है, कौन जग रहा है कौन सो रहा है। ये जानने के लिए सबसे पहले आपको जगना होगा। आप सोए पड़े और सपने में आपको दिखाई पड़ रहा है कि पूरी दुनिया ही सो रही है, क्या फर्क पड़ता है, सपना है। इसी सपने में आपको यह भी दिखाई पड़ सकता है कि पूरी दुनिया जी, क्या फर्क पड़ता है, वो भी सपना है। बहुत लोग घूम रहे हैं जिनको आज भी बहुत बहुत संत दिखाई देते हैं, वो यही सपना ले रहे हैं कि सब जग गए। ऐसे दावा करने वाले तो हैं ही जो कहते हैं कि हम मुक्त हैं, ब्रह्मलीन हैं, कब का मोक्ष मिल गया हमें, ऐसे भी घूम रहे हैं जिनसे पूछिए तो कहेंगे हाँ मैं 38 एनलाइटेंड लोगों को जानता हूं। ये वो है जो सपने में देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जग गए, क्या फर्क पड़ता है। अहंकार बहुत जोर देता है इस बात पर कि मैंने जो कहा, मैंने जो रचा, वो कहने वाला, वो रचने वाला मैं ही पहला हूं, मुझसे पहले किसी ने किया नहीं। ये बड़ा, और एक बुद्ध होता ही इसीलिए है बुद्ध, क्योंकि वो कह रहा होता है जिसमें कुछ भी नया नहीं। एक अर्थ में बुद्ध के पास जो है सब पुराना है। सत्य में तुम कुछ जोड़ना चाहते हो क्या, तुम उसे नया कैसे कर दोगे। दूसरे अर्थ में सत्य प्रतिपल नया है क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति मौलिक होगी, अभिव्यक्ति बदल जाएगी, बात तो वही रहेगी ना। बात में तुम क्या जोड़ दोगे, सत्य कुछ अधूरा था क्या कि उसमें जोड़ के तुम पूरा करोगे। तुम कहोगे 500 साल पहले अधूरा वाला सत्य था और अब हम जरा उसमें गोंद लगा के पूरा बना रहे हैं। जोड़ोगे क्या उसमें, एक ही बात है। जो कहेगा, जहां कहेगा, भारत में कहेगा कि चीन में कहेगा, अरब में कहेगा कि यूरोप में कहेगा, उसको वही बात कहनी पड़ेगी, उसकी विवशता है। हाँ, बदलते युगों के साथ, बदलते संदर्भों के साथ, बदलती भाषाओं के साथ अभिव्यक्ति जरा बदल जाएगी। अभिव्यक्ति बदलनी चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति भी नहीं बदल रही तो फिर तोते हो, फिर तो रट के आ गए हो, दोहरा रहे। ये ख्याल मन से बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि कुछ नया सुनना है। आप तो पुराने में जाएं, आप तो पुराने से पुराना उपनिषद उठाएं और वो जो कह रहा है उसको पी जाएं। काल जयी बातें हैं वहां, उनमें कुछ नया जोड़ने की जरूरत नहीं, वो नई सदैव हैं। आप जिसको नया कहते हैं वो नए नए भ्रम होते हैं। सागर बहुत पुराना है, नए नए बुलबुले उठे, बुलबुलों से बड़ा मोह है। सागर का तो कमोबेश एक ही रंग होता है, बुलबुलों में आप देखिए एक किरण पड़ती है और उनमें पूरा इंद्रधनुष उधर आता है।
क्या ना बुलबुलें, संसार के सारे रंग एक बुलबुले में, सागर में आप इतने रंग नहीं पाएंगे। बुलबुले में सारे रंग है, पुराने ही ज्ञान की विवेचना आज के गुरु करते प्रतीत होते हैं। अरे भाई, अगर कोई वास्तव में गुरु है तो वो ज्ञान की विवेचना इसीलिए करेगा ताकि ज्ञान का खंडन कर सके। वो विवेचना करके ये नहीं बताएगा तुमको कि ये असली ज्ञान, अब इसको पकड़ लो। गुरु और ज्ञान का तो 36 का आंकड़ा होता है। तुम उसके पास ज्ञान लेकर के आते हो, वो लठ लेके तोड़ता है। तुम ज्ञानी ठहरे, तुम मानते नहीं, तुम और उलीच उलीच मांग मांग के इधर उधर से लेके आते और ज्ञान, वो और तुम्हारा घड़ा तोड़ देता है। फिर जब तुम मानते नहीं, इधर उधर से तमाम जगहों से चीजें और ज्ञान वन लेके आते हो, तो फिर तुम्हारा खोपड़ा ही तोड़ देता है। किसी खोपड़े से ये सारी खुराफात निकलती है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। गुरु का काम है तुम्हें सारे ज्ञान से मुक्ति देना। सारी बातें बोली इसलिए जाती हैं ताकि जिन बातों में तुम उलझे बैठे हो उनकी निरर्थकता तुम्हें दिख जाए। कोई बात तुम्हें इसलिए नहीं बोली जाती कि तुम उसको पा लो, पकड़ लो, उसको सत्य समझ लो। दवाई इसलिए थोड़ी दी जाती है कि उसको रोटी के साथ खाओ। ये अच्छा हिसाब है। भगवान अब से घर में सब्जी नहीं बनेगी, डॉक्टर साहब ने दवाइयां दी हैं, तो सब्जी की जगह दवाई। ऐसा करते हो क्या कि थाल सजाया उसमें 8-10 तरीके की दवाइयां खा रहे हो? गुरु का ज्ञान ऐसा ही होता है। पहले तो वो जरा सा होता है, तंदूरी नान नहीं होता कि इतना बड़ा बहुत सारा ज्ञान दे दिया। और तुम्हें ज्ञान कितना चाहिए? जितना तंदूरी नान। गुरु का ज्ञान गोली बराबर। और उसका काम होता है कि जाए और भीतर जो अंडसंड चीजें जमा है उनको सबको निकाल बाहर करे, और उसके बाद तुम गोली नहीं खाओगे। पर नान और ज्ञान दोनों पसंद है, खास तौर पे मक्खन मार के। दाल मखनी खूब बखनी। मेरा ज्ञान तंदूरी नान। नाम के साथ क्या चलती है? मखनी, दाल मखनी। तो ज्ञान के साथ क्या चलेगी? बखानी। अब ज्ञान है तो बखान तो हो गई। दाल मखानी खूब बखानी। अगर आपका वास्ता अभी तक ऐसे गुरुओं से पड़ा है जिन्होंने आपको खूब ज्ञान दिया है तो बच्चे ही मैदा होता है, पेट में जम जाएगा, सुबह तकलीफ होगी। नान कहां जम जाता है? पेट में। ज्ञान कहां जम जाता है? दिमाग।
महेश जी कह रहे हैं, संसार को देखते हुए और माया को और ईश्वर की लीला को देखते हुए मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि ब्रह्म ज्ञान जन जन तक पहुँचे और चारों ओर सत्य प्रेम और आनंद का ही अस्तित्व हो। ये क्या है चीजें जो आप जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, जो आप कह रहे हैं? इससे तो किसी को भी इनकार नहीं होगा। आप ये वक्तव्य लेकर के करोड़ों अरबों लोगों के पास चले जाएं, बिना अपवाद के एक एक आदमी आपकी बात से सहमति जता देगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि ब्रह्म ज्ञान जन जन तक पहुंचे और चारों ओर सत्य प्रेम और आनंद का अस्तित्व। कौन नहीं कहेगा कि सत्य चाहिए, प्रेम चाहिए, ज्ञान चाहिए, आनंद चाहिए? पर ये है क्या जो आप इधर उधर फैलाना बांटना चाहते हैं? आप ही नहीं चाहते, सभी चाहते हैं। ये चीजें क्या हैं? ये क्या है? जिसको देखो उसी को सत्य चाहिए, जिसको देखो उसी को प्रेम चाहिए। अपने लिए ही नहीं चाहिए, वो दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर रहा है कि उन्हें भी मिले। बड़े अच्छे ये नाम है, दूसरों के लिए प्रार्थना मत करिए, पा लीजिए। सबको मिल जाएगा। ये सब हैं कौन, आपको स्पष्ट हो जाएगा। किनको आप चाहते हैं कि सत्य मिले, किसको आप कहते हैं जन जन, किसको आप दूसरे का नाम देते हैं, सब खुलासा हो जाएगा। देखिए, झूठ कभी नहीं कहता कि वो झूठ है। झूठ का भी दावा यही होता है कि वो सच है। कोई कभी नहीं कहता कि उसने बुरा किया। सबका दावा यह होता है कि उनके साथ बुरा हुआ और जितना बुरा हुआ उसकी अपेक्षा उन्होंने कुछ कम ही बुरा किया। तो वो तो बेचारे पीड़ित थे, शिकार थे। अच्छाई का दावा, अच्छाई का नाम सबके पास है। आप जो ये प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसी प्रार्थना रोज हो रही है, सभी कर रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये खोखली प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थना करने वाला जानता भी नहीं कि वो दूसरे को क्या दे रहा है। आपकी हालत ऐसी है कि आप किसी को भोजन कराने ले जाएं और भोजन कराने आप ले गए हैं उसे एक अफ्रीकी रेस्टोरेंट में, मेन्यू आपके सामने आया, आपको कुछ नहीं पता उसमें क्या लिखा हुआ है। पर आपके दिल में मीठी भावनाओं का उदात्त आवेग है, आप सामने वाले का बड़ा भला चाहते हैं, उसका पेट भरना चाहते हैं। बोध कुछ नहीं है आपके पास, सामने क्या है इसका कुछ नहीं पता, कहां ले आए उसको, ये क्या प्रचंड मूर्खता की, इसका आपको कुछ नहीं पता। पर आप कह रहे हैं ना,
आज तुझे कुछ ऐसा खिलाऊंगा कि आज का दिन तू कभी नहीं भूलेगा। और फिर आप करते हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भो 80-90 पूरे 100। या कि आप देखते हैं कि बगल वाला क्या मंगा रहा है, बगल वाले ने मंगाया सत्य प्रेम आनंद, तो आप कहते हैं मैं भी सामने वाले को देना चाहता हूं सत्य प्रेम आनंद, और आप उस मेन्यू से सत्य जल फरीजी, अब ये तो अफ्रीकन नहीं हुआ पर मैं अफ्रीकन जानता नहीं तो मैं ऐसे ही कुछ बता सकता हूं, और कबाबी आनंद और टंगड़ी प्रेम, कैन आई हैव वन चिकन प्रेम ब्रेस्ट, अब ये आप उसके लिए मंगा देते हैं। आपको कुछ पता भी नहीं है कि आपने उसके लिए क्या मंगा दिया। आपके पास अपनी सुरक्षा के लिए, अपने पक्ष में तर्क देने के लिए बस एक बात है, मेरी भावना शुद्ध है, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, हमें दोष न देना। हो सकता है कि तुम शाकाहारी हो और तुमने जो उनके लिए मंगा दिया उसमें उनके सामने एक जिंदा उबलता हुआ सुअर लाके रख दिया जाए कि लो खाओ, पर ये तुम्हारा प्रेम है भाई। मैं फिर पूछ रहा हूं, ये क्या है जो आप दूसरे को देना चाहते हैं? आनंद माने क्या? आप जानते हैं आप जीते हैं इस आनंद में, सच पूछिए तो आपके प्रश्न से नहीं लगता कि आप बोध में जीते हैं, पर दूसरे के लिए आप कामना कर रहे हैं। जैसे कि कोई सपने में प्रार्थना करे, जैसे कि कोई प्रार्थना का सपना देखे। सपना तो झूठा है ही, वो प्रार्थना अगर सफल हो गई तो वो सफलता और बड़ा झूठ है। अभी 2-3 दिन पहले तो सत्र लेता था तो उसमें एक अभिभावक थे, दूर कहीं से उन्होंने सवाल फेंका और उसकी पहली पंक्ति थी आई वॉन्ट द बेस्ट फॉर माई चाइल्ड। तो मैं हंसने लग गया, मैंने कहा ये क्या है, ये BEST ये क्या है? आप अपने बच्चे के लिए या बीवी के लिए या पड़ोसी के लिए या भाई के लिए या अखिल विश्व के लिए जो उत्कृष्टतम है वो चाहते हैं, पर ये उत्कृष्टतम है क्या? वो तो वही होगा जो आप अपने लिए उत्कृष्ट समझते हैं, और आप अपने लिए क्या उत्कृष्ट समझते हैं वो जानना है तो आपके जीवन को देख लिया जाए। शराबी को तुम पे बहुत प्यार आ गया, तुम्हारे लिए लाल फीते में बांध के और खूब सजा के बहुत सारे पैसे खर्च करके दिए जाने वाले उपहार को 100 बार चूम के कहो क्या लाया? बोतल। तुम उसकी भावना पे उंगली मत उठा देना, भावना पूरी है, महंगी से महंगी बोतल लाया है, बहुत प्यार करता है तुमसे, दूर से लाया है, बड़ी मेहनत से लाया है, देखो कितना सजाया उसने बोतल को, बोतल नहीं दुल्हन है, घूंघट उठाना पड़ेगा, तब भीतर से छर्रा उठेगा। अपमान ना करना, प्यार का तोहफा। कौन सा तोहफा देना चाहते हो दुनिया को? ये क्या प्रार्थना है? देखा है अभिभावक अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, देखा है पति पत्नियों को क्या दे रहे हैं, और ये सब किसके नाम पे हो रहा है? सब सद्भावना के नाम पे हो रहा है, ये सब प्रेम के नाम पे हो रहा है।
अभी आत्मघाती हमला हुआ, तो उसमें जिन्होंने किया था वो तो गए और अपने साथ लेके गए बहुतों को, जो उनके सहायक थे समर्थक थे वो दो चार दने धरे गए। तो उनसे पूछा गया कि क्या कर रहे हैं, तो बोलते हैं भला कर रहे हैं। बोले क्या भला करा, इतने मार दिए। बोले जिनको मारा वो सब पाप की जिंदगी जी रहे थे, हमने मार दिया तो भला करा कि नहीं करा। जैसे वो जी रहे थे वैसे उनको घोर जहन्नुम मिलता, तो हमने मार के भला किया कि बुरा किया बताओ। भला करने के नाम पे तुम कुछ भी कर देते हो। इधर उधर की बातें छोड़िए, अपनी जिंदगी को देखिए। और वो आप नहीं करना चाहेंगे, उससे बचने के लिए आप कोई भी बहाना लगाएंगे। जीवन से बचने के लिए बड़े से बड़ा बहाना ये होता है कि हम तो ब्रह्म पात्र प्राप्ति में लगे हुए हैं। जिए कौन, जीवन का अवलोकन कौन करे, अपने आप को कौन देखे। हमारी निगाहें तो परमात्मा पर है। आदमी को उसकी जिंदगी तक लाने के लिए कितना घुमा फिरा के लाना पड़ता है, देख रहे हो ना। इतनी बातें बोलनी पड़ती हैं ताकि वो वहीं आ जाए जहां वो है। और खेल उसमें ये चलता है कि आपको घुमाने इसलिए ले जाया जा रहा है कि बहाने से घुमा घुमा के आपको वापस वहीं लाया जाए। पर जब आपको घुमाने ले चलता है तो आप रास्ते में बहक भी लेते हो, तो और दूर हो लिए। हाँ, घुमाने वाला गड़बड़, दोनों बातें हैं। घुमाने वाला गड़बड़ हुआ या जो साथ चला था घूमने के लिए उसका अगर विश्वास पूरा नहीं है तो फिर रास्ते में ही छटक जाएगा और दूरी बढ़ गई। हमेशा से ही ये खेल जनमानस के लिए नहीं रहा है। गुरु पर धब्बा लगता था, इल्ज़ाम लगता था अगर बहुत सारे शिष्य ले लेते। और ऐसा नहीं बस कि सामाजिक मान्यता की बात थी, वास्तव में उसके लिए बड़ी सरदर्दी थी। जब आप किसी को शिष्य ग्रहण करते हैं तो उसका सारा कर्मफल आपके ऊपर आ जाता है। वो अब आज़ाद हो गया, उसने अपनी बागडोर आपको सौंप दी, तो अभी तक उसने जितनी गंदगी इकट्ठी की हुई है जीवन भर की, जितना उसका संचित कर्मफल है वो अब उसका नहीं है, वो अब गुरु का हो गया। बहुत शिष्य कभी बनाए नहीं गए, ये बातें बहुत लोगों से कभी बोली नहीं गई। बाद में जो वर्ण व्यवस्था थी, जो जाति व्यवस्था थी, उसमें एक जड़ता आ गई। आरंभ में तो खेल यही था कि जो ब्रह्म को समझे सो ब्राह्मण। आप कृष्ण से पूछिए गीता में, वो यही कह रहे हैं, ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को समझ रहा है। तो जो ब्रह्म को समझने की काबिलियत रख रहा है, जिसमें ब्रह्म को समझने की घोर मुमुक्षा उठी है, मात्र उस मुमुक्ष को ही धर्मशास्त्रों के काबिल समझा जाता था, मात्र उसको ही आश्रमों में प्रवेश मिलता था, बाकियों को सबको हटा दिया जाता था। ये जात पात की बात नहीं है,
ये किसी की जाति की बात नहीं है, ये उसकी योग्यता की बात है। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमको आश्रम में आने दिया जाए। तुम बात पहली बात सुन नहीं पाओगे, क्योंकि सुनने के लिए बड़ी श्रद्धा चाहिए, गुरु में अखंड विश्वास चाहिए। तो न तो तुम में काबिलियत है ना इच्छा है। इच्छा तब उठती है जब जगत से तुम्हारा यकीन बिल्कुल उठ गया हो।